Hi guys, this is Krishna Pardhe, your Spoken English and Personality Development Trainer, and once again I welcome you all in your favorite YouTube channel Miracle Academy. Friends, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ और यह आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे जो मिस्टेक्स हम कर लेते हैं न जानते हो उन सारे मिस्टेक्स को रिमूव कर देगा। दोस्तों बस आपसे मुझे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे। फटाफट आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यह एक लीजेंडरी वीडियो है, यह एक रिसर्च बेस्ड वीडियो है जो आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी चुनौती को सॉल्व करने वाला है। दोस्तों आज हम देखेंगे कि वर्ब्स के डिफरेंट फॉर्म्स का यूज पूरे इंग्लिश कम्युनिकेशन में किस तरह से होता है। यदि हम बिगिनर हैं या हम फ्लुएंसी पर ज्यादा फोकस करते हैं तो इंग्लिश में मिस्टेक होना कॉमन सी बात है, परंतु एक बार यदि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आपसे ये गलतियां कम होगी या मैं कहूँ कि नहीं के बराबर होगी। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि आज हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। यू नो वेरी वेल, आप ये तो जरूर जानते हैं कि कोई भी यदि एक्शन वर्ब है तो उसके तीन फॉर्म होते हैं V1, V2, V3। परंतु यदि हम इनके कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो वर्ब का इंग्लिश कम्युनिकेशन में, इंग्लिश लैंग्वेज में पांच तरह से यूज होता है। द फर्स्ट फॉर्म V1, द सेकेंड फॉर्म इज V2, द थर्ड फॉर्म इज V3, द फोर्थ फॉर्म इज VING फॉर्म एंड द फिफ्थ फॉर्म इज V1 प्लस SESIS। और आप इस स्क्रीन को क्लियरली देख सकते हैं। पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाओ और आपको पूर्णतः विजिबल हो जाए कि V1, V2, V3, VING और V1 प्लस SESIS का यूज हम किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को छोड़ना नहीं है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि ये दिख तो भले ही थोड़ा सा है परंतु इसके माध्यम से मैं आपका पूरा इंग्लिश ग्रामर का कॉन्सेप्ट ही क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम नाम की बात करते हैं कि जो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है V1 होता है, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट फॉर्म, इसे प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है। V2 दैट इज कॉल्ड द पास्ट फॉर्म, V3 इज कॉल्ड द पास्ट पार्टिसिपेंट एंड VING इज कॉल्ड द प्रेजेंट पार्टिसिपेंट एंड V1 प्लस SEIS दैट इज अगेन द सिंपल प्रेजेंट और इट इज प्रेजेंट फॉर्म। अब हम वन बाय वन अपने सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं कि V1 का यूज, V2 का यूज, V3 का यूज, VING का यूज और V1 प्लस SESIS का यूज हम कहां करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं V1 के बारे में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट फॉर्म। ओके, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का यूज जो है मुख्यतः सिंपल प्रेजेंट में होता है। ओके, मेनली इट इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? तो वो सारे हिंदी स्टेटमेंट जो वर्ब पर प्लस ता है, ती है, ते है पर एंड होते हैं, जो किसी रूटीन को, जो किसी हैबिचुअल एक्शन को बताते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनको कम्युनिकेट करने के लिए हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। परंतु यहाँ एक कंडीशन हमको ध्यान रखनी है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होना चाहिए, इट मीन्स इट शुड बी आई, वी, यू, दे में से ही कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, तब हम V1 का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हो। तो सिंपल प्रेजेंट में यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं द नेक्स्ट यूज विद डू एंड डस। देखिए अभी आगे जाके कॉम्प्लिकेशन आएगा, पर आप एक चीज ध्यान रखिए कि किसी भी स्टेटमेंट में यदि डू डस का प्रयोग हो रहा है, इट मीन्स यदि वह सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, इट मीन्स V1 का यूज होगा। देखिए एग्जाम्पल, I don't understand French. मुझे फ्रेंच समझ नहीं आती है। She doesn't like coffee. उसे कॉफी पसंद नहीं है। The next is you don't look good. तुम अच्छे नहीं दिखते हो। Okay. So यहाँ पर देखिए हमने क्या देखा कि यहाँ पर V1 का यूज, यहाँ V1 का यूज हुआ, यहाँ पर फिर से हमने don't के साथ V1 का यूज देखिए, यहाँ doesn't के साथ V1 का यूज आ गया, यहाँ don't के साथ V1 का यूज आ गया। आगे चलते हैं। Okay, फिर 2+V1। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब भी किसी स्टेटमेंट में एक से ज्यादा वर्ब हो, मतलब दो वर्ब आ जाए, तो ट्रांसलेशन करते समय हम पहली वर्ब को तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर लगाते हैं, परंतु जो सेकंड वर्ब होती है उसको हम
सी1 के फॉर्म में लगाएंगे और इसे इन्फिनिटिव फॉर्म कहा जाता है। वर्ब का क्या फॉर्म कहा जाता है? इन्फिनिटिव का फॉर्म कहा जाता है, जिससे कि यहाँ नाउन के रूप में काम करने लगती है। देखिए एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर मेरे पास दो वर्ब है, वॉन्ट और दूसरा स्पीक, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने टू का यूज किया और सेकेंड फॉर्म में हमने फी1 का ही प्रयोग किया। नेक्स्ट देखिए, ही विल नॉट गो टू प्ले, वह खेलने नहीं जाएगा। यहाँ पर फिर से आपके पास दो वर्ब हो गई, गिव गो एंड टू प्ले। तो इस तरह से हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का यूज, जब भी किसी स्टेटमेंट में एक से ज्यादा वर्ब होती है तो दूसरी वर्ब को पहली वर्ब से जोड़ने के लिए 2+V1 का प्रयोग किया जाता है और इसे इन्फिनिटिव फॉर्म कहते हैं। आइए और एक यूज बताता हूँ कि डिड के साथ। दोस्तों, डिड वैसे सिंपल पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब पास्ट की घटनाओं को बताता है, परंतु जब भी इसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? डिड का प्रयोग करते हैं। और जब डिड का प्रयोग होता है तो उसके साथ हमेशा ही वी1 का प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। सी डिडंट सी, वह गाती नहीं है। डिड राम टेल लाई यस्टरडे, क्या कल राम ने झूठ बोला? डिड राम टेल लाई यस्टरडे, तो यहाँ देखिए डिड के साथ वी1 का, यहाँ फिर से हमने डिड के साथ वी1 का प्रयोग किया। तो इस तरह से हम वी1 का प्रयोग करते हैं, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक और यूज बताता हूँ कि सभी कोर मॉडल्स लाइक कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, इन सभी के साथ भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। यू कैन सी हियर, आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यू शुड स्पीक ट्रुथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए। ओके, तो दिस बाय दिस वे हमने समझा कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का यूज इंग्लिश में इन सारी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। आपको डाउट में नहीं रहना है, वीडियो में बने रहना है। अब आइए दोस्तों, मैं आपको वीडियो पर लेकर चलता हूँ कि इसे क्या कहा जाता है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, तो इसका जो सबसे मेन यूज है दैट इज इन सिंपल पास्ट टेंस। इसका जो कोर यूज में देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है? सिंपल पास्ट में देखने को मिलता है। सिंपल पास्ट क्या होता है? कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो वर्ब प्लस आईए पर एन हो, या वर्ब प्लस ता था ती थी तेते पर एंड हो, गया गई गए, जाता था जाती थी जाते थे, इस तरह के एंडिंग सेंटेंसेस में हम V2 का ही प्रयोग करेंगे। यू कैन सी हियर, आई केम 3 days अगो, मैं 3 दिन पहले आया। यू वॉच्ड अ मूवी, तुमने एक फिल्म देखी। देखिए यहाँ पर हमने केम का, यहाँ हमने वॉच्ड का। यू वॉच्ड अ मूवी, ही प्लेड विद मी, वह मेरे साथ खेला। ओके, पास्ट की बात थी इसलिए हमने V2 का प्रयोग किया। वी वॉक टूगेदर, हम एक साथ चले। हम एक साथ चले। तो इस तरह से सिंपल पास्ट के स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्रिया के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। और इसका यूज, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज सिर्फ इंग्लिश में सिंपल पास्ट टेंस में ही होता है, इसके अलावा और कहीं नहीं होता है। आइए अब मैं आपको यूज ऑफ वर्ब V3 पर ले चलता हूं। इसे कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। इट मींस इसका यूज हम 3 तरह से होते हुए देखते हैं। 3 तरह से कहां होता है, थोड़ा सा फैसिनेटिक होना पड़ेगा, वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो सभी परफेक्ट टेंस हैं इंग्लिश में, जितने भी 3 परफेक्ट टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में, या हैज हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ हम V3 का प्रयोग करते हैं। तो ये तो पहला यूज हो गया कि सारे परफेक्ट टेंस में हम V3 का यूज करते हैं। कैसे मीनिंग निकलता है? सी हैज रीच्ड, वह पहुंच चुकी है। ओके, आई हैव जस्ट अराइव, मैं बस अभी आया हूँ। आई हैव जस्ट अराइव, मैं अभी आया हूँ। ओके, दे हैड गॉन, वे जा चुके थे। दे हैड गॉन, पास्ट की बात होगी, वे जा चुके थे। ही विल हैव अचीव्ड, उसने अचीव कर लिया होगा, उसने पा लिया होगा। तो इस तरह से जब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस की या किसी भी परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो हमें क्रिया के थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। आइए एक और यूज बताता हूँ कि जब भी हमें किसी भी टेंस का पैसिव वाइज बनाना हो, जब भी किसी भी टेंस का पैसिव वाइज बनाना हो, तो ये कॉमन रूल है कि आपको वर्ब को, क्रिया को थर्ड फॉर्म में ही रखना पड़ेगा। मतलब ये आप नोट कर लीजिए। देखिए इन सारे टॉपिक्स पर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। आपको अगर और अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक भेज रखी है उसके माध्यम से आप डिफरेंट टेंसेस को, डिफरेंट वॉइस को, डिफरेंट मॉडल्स को लर्न कर सकते हो। यहाँ मैं आपके लिए एक समरी लेकर आया हूँ, तो आप एक शॉर्टकट में इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि सभी टेंस के जो पैसिव वॉइस होंगे, सभी मॉडल्स के जो पैसिव वॉइस होंगे, या जितने भी पैसिव वॉइस होंगे, उन सब में हमें V3 का ही प्रयोग करना है। एग्जाम्पल बताता हूँ, क्रिकेट इज प्लेड इन इंडिया, क्रिकेट इज प्लेड, देखिए यहाँ इसके साथ V3 का यूज हो गया। भारत में क्रिकेट खेला जाता है। अ मैच वॉज वन, एक मैच जीता गया, तो यहाँ पर देखिए वॉज के साथ V3 का यूज हुआ। मतलब कि जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे
उसके अलावा जितने भी पैसिव वाइज होंगे उन सब में हमको क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। एक और यूज जो हमें याद रखने की जरूरत है कि हैव वाले मॉडल्स, मतलब जितने भी मॉडल्स हैव वाले होंगे, मतलब ये पास को रिफ्लेक्ट करेंगे, उन सब में भी हमें क्रिया के थर्ड फॉर्म को यूज करना है, भूलना नहीं है। ठीक है, मॉडल्स में सेपरेटली क्लियर करा चुका हूँ, एक एक मॉडल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, बट एज अ समरी यू नीड टू कीप इन द माइंड कि जितने भी हैव वाले मॉडल्स होते हैं उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वी थीटा। यू कैन सी हियर, यू शुड हैव आस्क्ड मी, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पर शुड के साथ हमने किसका प्रयोग किया, हैव, और हैव के साथ वी थ्री का। ओके, तो वी थ्री का यूज क्लियर है कि सारे परफेक्ट टेंस में, सारे पैसिव वॉइस में, वो सारे मॉडल्स जिनके साथ हैव आता है उनके साथ हमें क्रिया के थर्ड फॉर्म का यूज करना। आइए दोस्तों, अभी एक मेजर चीज रिमेनिंग है, उसे भी हमें ध्यान से पढ़ना है, दैट इज द यूज ऑफ वी आई एन जी। इट मीन्स क्रिया के वी आई एन जी फॉर्म का यूज कब करेंगे। ओके, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन द माइंड कि सभी कंटिन्यूअस टेंसेस, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, उन सबके साथ ही हम इजमार प्लस वी आई एन जी, वॉज वर प्लस वी आई एन जी, विल बी, शैल बी प्लस वी आई एन जी के रूप में करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसका सेपरेट वीडियो डाला है। ओके, यू कैन सी द एग्जांपल, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, आई एन जी का यूज किया, एम के साथ आई एन जी, देवर वॉचिंग, वे देख रहे थे, देवर वॉचिंग, वॉच के, वर्क के साथ वी आई एन जी का यूज किया। यू विल बी वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो, यू विल बी वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो, यहाँ पर विल बी के साथ वी आई एन जी का यूज किया, मतलब कि सारे कंटिन्यूअस टेंस में हम किसका यूज करेंगे, क्रिया के आई एन जी फॉर्म का यूज करेंगे। आइए एक और यूज, सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं जो कि ये बताते हैं हमें कि काम कितनी देर से हो रहा है, काम कितनी देर से हो रहा था, कितनी देर से हो रहा होगा, उन सारे स्टेटमेंट्स को बोलने के लिए हम फिर से किसका प्रयोग करते हैं, वी आई एन जी का। तो देखिए यहाँ पर हमने हैव बीन के साथ में वी आई एन जी का यूज किया। ओके, आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग यू फॉर 15 मिनट्स, मैं आप सभी को 15 मिनट से समझा रहा हूँ। ऐसे यहाँ हैड बीन होता तो भी हमको वी आई एन जी लगाना होता, विल हैव बीन या शैल हैव बीन होता तो भी हम वी आई एन जी का यूज करते। तो ये तो हो गई टेंस बेस्ड बातें। एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग मिस्टेक कर देते हैं कि जब हमें किसी वर्ब के जेरेंड फॉर्म को बोलना होता है, मतलब जब किसी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है और हमारे पास सिर्फ जो वर्ब होती है उसका ही यूज करके हमें सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी होती है, तो उस समय भी हम जेरेंड फॉर्म के रूप में क्रिया के वी आई एन जी फॉर्म का यूज कर सकते हैं। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज। इसी तरह से आप कह सकते हो कि भाई स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, तो स्मोक क्या है, वर्ब है, उसके साथ हमने वी आई एन जी का प्रयोग कर दिया। ओके, टेलिंग लाई इज अ बैड हैबिट, झूठ बोलना एक बुरी आदत है, तो यहाँ पर आपने टेलिंग लाई का यूज कर दिया। इस तरह से हमें जब भी वर्ब के जेरेंड फॉर्म का यूज करना होता है, उसे नाउन में कन्वर्ट करना होता है, तब भी हम वी आई एन जी का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया वी आई एन जी का यूज। अब द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट यूज, इसको समझिए कि क्रिया में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस सी एस आई एस का प्रयोग कब करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसका यूज सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में होता है और एक ही कंडीशन में होता है कि जब सेंटेंस हमारा क्या हो, अफॉर्मेटिव। यहाँ मेजर चीज आपको ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस हमारा अफॉर्मेटिव हो, सिंपल प्रेजेंट का हो, वो प्लस ताहे तीहे तेहे पर एंड होता है, तो उन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन के लिए यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही शी इट या कोई नेम है, तो उसका ट्रांसलेशन करते समय हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, उसके साथ आई या सी एस आई एस का प्रयोग करते हैं। सी स्पीक्स लाइक, वह झूठ बोलती है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उठता है, सर सिंगुलर सब्जेक्ट है, माय क्लास स्टार्ट्स एट 7 PM, मेरी क्लास 7 बजे स्टार्ट होती है। तो दोस्तों आई अंडरस्टैंड कि यदि आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा होगा, एक एक भाग को अंडरस्टैंड किया होगा, तो आपको इस तरह से इंग्लिश कम्युनिकेशन में किस क्रिया के फॉर्म का कहां पर यूज किया जाएगा ये पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज 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 आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी नया वीडियो चाहते हो आप कमेंट में जरूर लिखिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरह के धमाकेदार वीडियो के साथ मैं आपसे बहुत जल्दी ही मिलूंगा और हम किसी नए कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।